बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर ऑफ SST। सेकंड यूनिट हमारा चल रहा है। सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हमने इसकी एक्सरसाइज देखनी है। एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें, यहाँ से देख के निशान लगा लें, मैं आपको बता देती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हर सवाल के चार जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, यानी MCQs हैं। सबसे पहला है, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफात पाई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1707 में है। ठीक है, ये अलिफ वाले पे टिक लगा लें। सेकंड पे है, 1906 में कायम की गई मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में, उसका क्या अमल में आया था? तो बे वाला जो है वो इसका आंसर है। आगे है, पहली जंग अजीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का। ठीक है, जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। उलमा ने बड़े सगीर को करार दिया दारुल हर्ब। ठीक है, दारुल हर्ब यानी अलफ, वो जो अलिफ वाला है सॉरी, वो इसका आंसर है। आगे है, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये बे वाला आपको नज़र आ रहा है, इस पे निशान लगा हुआ है, यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। आगे है, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया 1942 में। ठीक है, 1942 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को बांपते हुए फ़ौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। सबसे पहला दारुल हुकूमत जो था वो कराची था। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल ला लगाया 27 अक्टूबर 1958 में। दाल वाला जो है वो इसका सही आंसर है, टिक लगा लें आप लोग। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की, 81 यानी 81 नशिस्तें हासिल की थी। बे वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, बांग्लादेश का क्याम अमल में आया 1971 में। ठीक है, 1971 में मशरकी पाकिस्तान जिसका नाम बांग्लादेश है उसका क्याम अमल में आया। खाली जगह पुर करें। 1757 में बंगाल के नवाब सराजुद्दौला, पहली ब्लैंक आपने फिल करनी है सराजुद्दौला लिख के। आगे है, सर सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत रिसाला असबाब बगावत हिंद, नाम सुन लें दोबारा से, असबाब बगावत हिंद का जारी करना था। आगे है, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ्द सर आगा खान की क्यादत में वाइस राय लॉर्ड मिंटो से मिला। सर आगा खान यहाँ पे लिखें। आगे है, फ़ौज के सरबराह जनरल यहिया खान ने 25 मार्च 1969 को मुल्क में मार्शल ला लगाकर हुकूमत संभाल ली। यहाँ पे आपने लिखना है जनरल यहिया खान। जनरल अयूब खान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के लिए 1961 में मुस्लिम आयली कवानीन का निफाज किया, मुस्लिम आयली। आगे कॉलम मैचिंग देख लें। जनरल अयूब खान के जवाल का अहम सबब बना बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। ठीक है, जो उसने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारफ़ करवाया था वही उसके जवाल का अहम सबब बना। आगे है, करारदाद मकासद पेश की गई 12 मार्च 1949 में। ठीक है, हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया 1919 में। ये लास्ट वाले के साथ इसको मिला दें। आगे है, 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने हल्फ उठाया पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। ठीक है, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असेंबली तोड़ी 24 अक्टूबर 1954 को। ठीक है, सेकंड लास्ट है, उसके साथ इसकी मैचिंग कर दें, 24 अक्टूबर 1954 को। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आपने इसके MCQs भी, ब्लैंक्स भी और कॉलम जो हैं उनको भी अच्छे से याद करना है और अच्छे से फिल कर लें और फिर इसको याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।